नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ शनिवार की शाम करीब 4 बजे के बाद हुई, जिसमें दोनों ओर से घंटों तक गोलियां चली। यह घटना जिले के नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के दुंदरू चपाल में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से कई राउंड गोलीबारी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस के द्वारा नक्सलियों की धरपकड़ में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों में नक्सलियों का उत्पात चरम सीमा पर है। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में पुल और सड़क निर्माण में लगे मिक्सर मशीन और पानी टंकी को आग के हवाले कर दिया गया था और पोस्टरबाजी कर धमकी दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी और लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। आज मुठभेड़ हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस और CRPF का सर्च अभियान अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के दुंदरू चपाल में जुटे हुए हैं। माओवादियों के हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंझू की भी इस दस्ते में होने की संभावना है, जिसके बाद CRPF और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।